हेलो बच्चों, कैसे हो? मैं प्रमोद आप सभी का एक बार फिर SVS विद्यालय के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज मैं आप लोगों को क्लास फोर्थ सब्जेक्ट GK यानी कि जनरल नॉलेज, क्या बच्चों? जनरल नॉलेज और चैप्टर का नाम है बच्चों प्लांट सुपरलेटिव्स। क्या बच्चों? प्लांट सुपरलेटिव मतलब हम लोग प्लांट्स के बारे में आज जानेंगे कि कौन से प्लांट्स मतलब जो है सुपर प्लांट्स। कहने का यहाँ मतलब है बच्चों कुछ प्लांट्स अपने आप में किसी प्लांट्स का खूब बिगेस्ट मतलब कुछ टालिस्ट है, कोई बिगेस्ट प्लांट्स है, कोई खूब छोटा प्लांट्स है, किसी का फ्लावर्स खूब बड़ा है, किसी का सीड खूब बड़ा है, मतलब सुपर है, अपने आप में सुपर है, चाहे वो छोटी की बात हो चाहे बड़े की बात हो। जैसे कहते नहीं है आपके क्लास में कोई स्टूडेंट खूब पढ़ने में तेज होगा, एक होगा ना जो टॉपर होगा, या फिर दूसरी तरफ बात करें आपकी क्लास में कोई एक होगा जो सबसे पीछे आता होगा, तो भी अपने आप में एक सुपर है। उसकी एक क्वालिटी है कि मतलब वो सबसे पीछे आता है पढ़ उसकी रैंक, और एक उसकी भी क्वालिटी है जो सबसे आगे है। तो अपने आप में हर एरिया में कोई ना कोई सुपर है, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो। ठीक बच्चों, तो उसी तरह यहाँ पे सुपर की बात कर रहा है, मतलब प्लांट्स की सुपर के बारे में बात कर रहा है। मतलब कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो पूरे विश्व में, यूनिवर्स में या फिर पूरे ब्रह्मांड में सबसे बड़े होते हैं। उन प्लांट्स का नाम यहाँ पे आप पढ़ेंगे, आज जानकारी लेंगे, जनरल नॉलेज है, समझ लीजिए पता चलेगा आपको। किसी प्लांट्स के सीड्स खूब बड़े होते हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे, किसी प्लांट्स के फ्लावर सबसे बड़े होते हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। मतलब इन सभी के बारे में आज हम लोग सुपर प्लांट्स के मतलब कुछ अच्छे प्लांट्स या फिर उनकी खासियत के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए हम लोग आप लोग पहले अपनी बुक को देख लीजिए। ये है आपका बुक GK मतलब नॉलेज कार्ड नाम है बुक का। क्लास फोर्थ आप देख सकते हो बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है क्लास फोर्थ लिखा हुआ है। ठीक, आप लोग ओपन योर बुक बच्चों, आप लोग अपनी किताब खोल लीजिए, बुकों को ओपन कर लीजिए। ये आपका है चैप्टर नंबर फर्स्ट, आप देख सकते हो सुपरलेटिव प्लांट्स नाम है बच्चों, और पेज नंबर है आपका फाइव। कितना है बच्चों? पेज नंबर फाइव। तो आप लोग अपनी अपनी बुक को ओपन कर लीजिए। ठीक है बच्चों, तो मैं पहले यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं जिसको हम पढ़ेंगे, आपको समझाएंगे उसका मतलब, फिर उसके बाद आगे जो आपका क्वेश्चंस है, जो नॉलेज आपको लेना है या फिर हमारे द्वारा हम पढ़ाएंगे उसको हम आगे फिर अच्छी तरीके से बता रहे हैं। आप लोग ध्यान से देखिए पहले क्या लिखा हुआ बच्चों, द गैंट बनियान ट्रीज ऑफ इंडिया आर द लार्जेस्ट ट्री इन द वर्ल्ड बाई कैनोपी कैवरेज। क्या लिखा हुआ बच्चों आपके बुक में? एक वर्ड लिखा हुआ है गैंट, लिखा हुआ गैंट मतलब बड़ा होता है, लार्ज। स्पेलिंग क्या है? GAINT गैंट मतलब क्या होता है बच्चों? लार्ज। हिंदी में लिखे तो क्या लिखा होता है बच्चों? बड़ा। क्या? बड़ा। तो सिंपल सी बात लिखी हुई है आपकी बुक में, द गैंट बनियान ट्री मतलब जो बड़े बनियान ट्रीज ऑफ इंडिया, इंडिया के जो कुछ लार्ज ट्रीज होते हैं, आर द लार्जेस्ट ट्रीज इन द वर्ल्ड मतलब लार्जेस्ट मतलब सबसे बड़ी ट्री कौन सी होती है बच्चों? बनियन की ट्री होती है, इन द वर्ल्ड मतलब पूरे संसार में। बाई कैनोपी कवरेज मतलब कुछ एरिया को कवर करता है। क्या बच्चों? एरिया को कवर करता है, काफ़ी अच्छा मतलब ज़्यादा एरिया कवर करता है। ठीक, आगे फिर लिखा हुआ है वन इंडिविजुअल स्पेसिमेन थी मेम मेरी मनु इन आंध्र प्रदेश कवर्स 19,107 मीटर स्क्वायर। मतलब क्या है बच्चों, कुछ ट्रीज का यहाँ पे नाम दिया हुआ है, वो भी कहाँ पे हैं बच्चों? आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पे हैं? जैसे मैं लिख भी रहा हूँ बच्चों, लिखा हुआ है THIM थिम, फिर लिखा हुआ है MAMMA बड़ा अटपटा सा नाम है, थिम मम्मा। क्या लिखा हुआ बच्चों? थिम मम्मा, और उसी का आगे इसी पेड़ का ही आगे और क्या नाम लिखा जाता है? MARIMANU बड़ा अटपटा नाम है, मरीमानू। क्या है बच्चों? थिम मम्मा मरी अम्मू जो एक ट्रीज है वो कहाँ है बच्चों? आंध्र प्रदेश में है। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। कहाँ लिखा हुआ है आपके बुक में? आंध्र PREDESH आंध्र प्रदेश में। और कितना एरिया कवर करता है बच्चों? जो एरिया कवर्स करता है वो कितना है बच्चों? 19,107 मीटर स्क्वायर एरिया कवर करता है बच्चों। कितना? 19,107 क्या बच्चों? इकाई दाई सैकड़ा हजार दस है, यानी 19,107 मीटर स्क्वायर एरिया कवर करता है। कौन? यही थिम मनु और मरी मनु जो ट्री का नाम है। और कहाँ सिचुएटेड है बच्चों? कहाँ पे स्थित है? आंध्र प्रदेश में। कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक,
आगे पढ़ते हैं, फिर लिखा हुआ बच्चों इसी की बात कर रहा है, किसकी, थिम ममा मरी मनु ट्री जो है इसी का बात कर रहा है। इज द लार्जेस्ट सिंगल ट्री बाय टू डायमेंशन कैनोपी कवरेज एरिया। टू डायमेंशन कवरेज एरिया का कहने का मतलब क्या है बच्चों, टू डायमेंशन, एक तो क्या हो गया बच्चों ये और एक तो ये, मतलब लेंथ और ब्रेथ, ठीक, टू डायमेंशन। थ्री डायमेंशन आप लोग इमेजिन नहीं कर पाओगे, जो आपका क्या होता है जिसमें लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों हो, जैसे आप लोग बच्चों लूडो खेले होंगे उसकी जो गोटी होती है वो थ्री डायमेंशन है, क्यूब जो है बच्चों क्या है, थ्री डायमेंशन, उसकी लेंथ भी है ब्रेथ भी है और हाइट भी है, उसे थ्री डायमेंशन बोलते हैं, टू डायमेंशन केवल लेंथ एंड ब्रेथ, ठीक। फिर आगे लिखा हो बच्चों, दिस ट्री इज आल्सो द वर्ल्ड लार्जेस्ट नोन ट्री बाय पेरीमीटर लेंथ विथ ए पेरीमीटर ऑफ इतना, मतलब यही जो कौन सा ट्री बच्चों, थिम ममा और मरी मनु जो ट्री है, मतलब एक ही है वही, ये जो ट्री है क्या बात कर रहा है, ये ट्री आल्सो द वर्ल्ड लार्जेस्ट नोन ट्री, मतलब पूरे वर्ल्ड में लार्जेस्ट ट्री को माना जाता है बाय पेरीमीटर लेंथ, मतलब पेरीमीटर क्या मतलब होता है बच्चों, लेंथ प्लस ब्रेथ दोनों को पेरीमीटर बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, अगर कोई पूछे आपसे पेरीमीटर क्या होता है, मतलब पूरी पूरी, मतलब उसकी लंबाई, मतलब लेंथ भी ले लो और क्या ब्रेथ भी ले लो, पूरी जितना कवर करता है उसे क्या बोलेंगे यहाँ पे, पेरीमीटर विथ ए पेरीमीटर ऑफ 846 मीटर, यानी कि इसकी जो पेरीमीटर है कितना है बच्चों, एम ई टी ई ई आर, कितना है 846 मीटर है बच्चों, कितना है 846 मीटर है, ये एरिया था बच्चों, एरिया कवर कर रहा था, इसलिए इस यूनिट इसकी मीटर स्क्वायर है, और ये पेरीमीटर इसलिए इसका क्या है बच्चों, मीटर है, क्या है, मीटर है, ठीक। ये डाटा है, आप याद रख सकते हो, बस सिंपल सा और कुछ नहीं, ठीक। अब बच्चों ध्यान से देखते हैं आपके बुक में कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, जिन क्वेश्चंस को हम लोग बच्चों क्या होगा सॉल्व करेंगे और अच्छे तरीके से समझेंगे और इसे याद भी रखेंगे, क्या करेंगे बच्चों, और इसे याद भी रखेंगे कि इन, मतलब ये जीके है बच्चों, जीके मतलब जनरल नॉलेज आपको याद होना चाहिए कि पूरे वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट या फिर सबसे लॉन्गेस्ट ट्री कौन सा है, इन सभी के बारे में, या फिर कौन सा ऐसा प्लांट्स है जिसके फ्रूट्स सबसे लार्ज होता है, मतलब बड़ा होता है, या फिर कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनके क्या फ्लावर्स उनके मतलब होते हैं कुछ लंबे, ठीक, लार्ज मतलब, तो इन सभी के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे बच्चों। तो पहला लिखा हुआ है, जो पहले क्वेश्चन क्या लिखा हुआ वो पढ़ देते हैं, क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, देयर आर मैनी अदर प्लांट्स, मतलब कई ऐसे, मैनी मतलब कई, अदर मतलब दूसरे प्लांट्स हैं, आर नोन फॉर दियर सुपरलेटिव क्वालिटी, सुपरलेटिव क्वालिटी मतलब एक क्वालिटी होता है बच्चों, जैसे कोई कहता है ना यू आर गुड, तुम गुड हो, मतलब बहुत अच्छा, तुम अच्छे हो, ठीक, कुछ लोग कहते हैं यू आर बेस्ट, मतलब आप बेस्ट हो, और होता है ना मतलब सुपरलेटिव डिग्री, थ्री टाइप की डिग्री होती है, ठीक, तो सुपरलेटिव डिग्री मतलब वो इंग्लिश है, हम उसकी बात नहीं करते हैं। आगे फिर लिखा हुआ है, सम ऑफ देम आर गिवन बिलो, कुछ प्लांट्स जो है नीचे दिए हुए हैं, गिवन बिलो मतलब नीचे दिया हुआ है, फिर आगे लिखा है नेम देम एंड स्कोर 2 points फॉर इच करेक्ट आंसर, मतलब यदि आप इसे सही करते हो तो आपको 2 points मतलब 2 marks मिलेगा, क्या मिलेगा बच्चों, 2 marks मिलेगा, ठीक। तो बच्चों जो नंबर 1 आपके बुक में दिया हुआ है वो क्या लिखा हुआ है उसके बारे में पढ़ते हैं, फिर उसका हम लोग आंसर जानते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो लिखा हुआ बच्चों, इट हैज, क्या लिखा हुआ है हम लिखते हैं यहाँ पे, लिखा हुआ है हिंट जो है आपके बुक में, क्या लिखा हुआ है, इट हैज, क्या लिखा हुआ बच्चों, इट हैज द बिगेस्ट फ्लावर, ऐसे प्लांट्स का नाम बताना है या ट्रीज का नाम बताना है जिसके बिगेस्ट फ्लावर है, जिसका फ्लावर क्या है बच्चों, सबसे बड़ा है, बिगेस्ट लिखा है, बिगेस्ट मतलब सबसे बड़ा। तो आपके बुक में बच्चों अगर आप देखो तो यहाँ पे हिंट दिया हुआ, लिखा भी हुआ है टेक माय हेल्प, मतलब सभी प्लांट्स का नाम जो यहाँ पे आपके क्वेश्चन है ना, उन सभी प्लांट्स का आंसर यहाँ दे रखा है, लेकिन ये नहीं बताया किसका आंसर क्या है, तो ये हमें सर्च करना है इनका हेल्प लेकर के, कि इट हैज द बिगेस्ट फ्लावर, मतलब ऐसे प्लांट्स का नाम बताना है बच्चों जिनका फ्लावर बिगेस्ट है, मतलब सबसे बड़ा फ्लावर होता है, ऐसे प्लांट्स का नाम। तो आपके बुक में बच्चों रेफ्लेसिया आप याद कर लो आज से, कि जो रेफ्लेसिया नामक प्लांट्स है, मतलब जो पौधा है उसका बिगेस्ट फ्लावर होता है, उसका फ्लावर क्या होता है बच्चों, बिगेस्ट फ्लावर होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, रेफ्लेसिया आर ए डबल एफ एल ई एस आई, ये बच्चों इसमें कुछ समझाना नहीं है, ये होता है तो होता है, ठीक। अगर
मतलब इसमें कुछ कोई क्लू नहीं है, कोई रीजन नहीं है, कुछ नहीं, आपको सिर्फ लर्न करना है, याद कर लेना है कि क्या ऐसे प्लांट्स जिसकी बिगेस्ट फ्लावर जिनके पास है, मतलब जिनका फूल बहुत ही बड़ा है, बिगेस्ट है, तो उस प्लांट्स का नाम क्या है बच्चों, रेफ्लेसिया, आपको याद कर लेना है क्या रेफ्लेसिया, क्या नाम है बच्चों रेफ्लेसिया, एक बार आप लोग भी बोलो रेफ्लेसिया, बोलो रेफ्लेसिया, ठीक। तो इट हैज़ द बिगेस्ट फ्लावर, तो कौन सा प्लांट्स है बच्चों, रेफ्लेसिया प्लांट्स है, कौन सा प्लांट्स है, रेफ्लेसिया प्लांट्स है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड टू पे आते हैं बच्चों, टू में क्या लिखा हुआ है बच्चों, टू में लिखा हुआ है, हिंट ये दिया हुआ है, इट इज़ द टालेस्ट ग्रास, सबसे लंबा ग्रास, क्या बच्चों सबसे बड़ा, लाई हाइट में क्या है बच्चों, बड़ा है, क्या लिखा है, इट इज द टालेस्ट, टी ए डबल एल ई एस टी, टालेस्ट ग्रास। एक चीज़ बच्चों आपको आज जान के बहुत ही वंडरफुल लगेगा, मतलब बहुत ही आश्चर्य लगेगा, आपको शौक भी लगेगा कि ऐसा होता है, मैं बताता हूँ अभी, आपको भी ऐसा फील होगा, जब हम भी पढ़े आपके बुक में तो हमको भी ऐसा फील हुआ, बहुत ही अच्छा लगा। जैसे जो बच्चों बैम्बू होता है, बम्बू जिसका हिंदी होता है बांस, बच्चों आप लोग बांस जो होता है यानी बैम्बू जो ट्री होती है उसको आप लोग किस कैटेगरी में रखोगे, अगर मैं आपसे पूछूं तो आप बोलोगे कि ये ट्री है, क्या है बच्चों, ट्री है, लेकिन ये ग्रास में आता है बच्चों, किस में, घास, जिसका हिंदी क्या होता है, घास, मतलब जो बैम्बू का ट्री होता है बच्चों वो घास में उसको रखा जाता है, किस कैटेगरी में, ग्रास के कैटेगरी में रखा जाता है बच्चों। तो सिंपल सी बात है, आपसे कोई भी पूछ सकता है कि नेम द टालेस्ट ग्रास, तो आप तुरंत आंसर देंगे, आपका आंसर क्या होगा, बैम्बू, मतलब जिसका हिंदी क्या होता है, बांस होता है, जो आप लोग देखे होंगे ना घरों में बांस का उपयोग करके आपके घर मतलब छोटे छोटे घर बनाए जाते हैं, ठीक। तो आपसे कोई भी पूछ सकता है, नेम द प्लांट्स विच है टालेस्ट ग्रास, विच इज टालेस्ट ग्रास, मतलब जिसकी घास जो है सबसे बड़ी होती है, ठीक। तो सिंपल सा आपका आंसर क्या होना चाहिए बच्चों, बैम्बू, क्या होना चाहिए बच्चों, जिसका हिंदी क्या होता है, बांस। स्पेलिंग क्या है बच्चों, आप देख सकते हो, बी ए एम बी डबल ओ, क्या है बच्चों स्पेलिंग, बैम्बू, स्पेलिंग क्या है, बी ए एम बी डबल ओ, जिसका हिंदी क्या होता है, बांस, क्या होता है बच्चों, बांस, ठीक। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर थर्ड पे, क्या आते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है बच्चों, पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये कह रहा है बच्चों कि इट इज द ओल्डेस्ट ट्री, मतलब ऐसे ट्री का नाम बताओ जो सबसे ओल्डेस्ट है, ओल्डेस्ट मतलब सबसे पुराना, बहुत ही पुराना ट्री का नाम आपको बताना है। तो आपके बुक में जो हिंट दिया हुआ है बच्चों, वो आपके बुक में कई सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जिसमें से सेलेक्ट करके लिखना आपको है आंसर, तो इसमें कोई लॉजिक नहीं है, कुछ नहीं है, आपको सिर्फ रट लेना है, यानी कि याद कर लेना, ये जीके, ये होता है तो होता है, जैसे होता ना कि पहला फर्स्ट वार कब हुआ था, मतलब पहली युद्ध कब हुई थी, जो वर्ल्ड वार मतलब विश्व युद्ध, तो आपको रट लेना कि ये सन इनका ये इस सन में हुआ था, कोई इसमें लॉजिक नहीं है। तो ऐसे ही आपसे कोई पूछेगा कि ऐसे ट्री का नाम बताओ जो सबसे ओल्डेस्ट है, बहुत ही पुराना है, उस ट्री का नाम है बच्चों, आप यहाँ पे देख सकते हो सिक्योइया, क्या इंग्लिश इसका, सिक्योइया। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं बच्चों, इट इज द क्या है, इट इज द ओल्डेस्ट ट्री, मतलब बहुत ही पुराना पेड़ है, ओ एल डी ई एस टी, ओल्डेस्ट ट्रीज, उस ट्रीज का नाम क्या है बच्चों, सिक्योइया, इंग्लिश क्या आपका, स्पेलिंग लिखते हैं हम अच्छी तरीके से, आप भी लिख के याद करना, नहीं तो मिस्टेक कर दोगे, एस ई क्यू यू ओ आई ए, सिक्योइया, क्या है बढ़ दो, सिक्योइया, क्या नाम है बच्चों, सिक्योइया, ठीक है। तो आपको याद रख लेना कि जो सबसे ओल्डेस्ट ट्री है उसका नाम क्या है, सिक्योइया, ठीक। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर पढ़ते हैं, क्या लिखा है उसका हिंट, लिखा हुआ इट इज़ द स्मॉलेस्ट पड़ा प्लांट, क्या लिखा हुआ बच्चों, इट इज़ द स्मॉलेस्ट पड़ा। हम लोग अभी क्या पढ़े, तीन टाइप के पढ़े, ऐसे प्लांट्स जिसके फ्लावर बिगेस्ट होते हैं, बहुत ही बड़े होते हैं, ऐसे प्लांट्स जो टालेस्ट होता है, मतलब बहुत ही लंबा होता है, ऐसे प्लांट्स जो ओल्डेस्ट मतलब बहुत ही मतलब पुराना पेड़ है। अब आगे आ रहा है, इट इज़ द स्मॉलेस्ट प्लांट, मतलब प्लांट में सबसे छोटे कौन से प्लांट होते हैं, उनका आपको नाम बताना है, क्या बच्चों, उनका आपको नाम बताना है। तो आइए हम पहले क्वेश्चन नंबर फोर को लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर में क्या लिखा हुआ बच्चों, इट इज़ द स्मॉलेस्ट प्लांट, क्या है इसका हिंट, इट इज द स्मॉलेस्ट प्लांट, क्या बच्चों, ये प्लांट है
और जो आपके बुक में एक और क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर सेकंड, वो टालिस्ट ग्रास था, मतलब बहुत ही लंबा घास था, और यहाँ पे स्मॉलेस्ट छोटा, और वो भी क्या प्लांट का नाम है, क्या बच्चों प्लांट का नाम है। तो आपको इस बुक में जो हिंट दिया हुआ है उसको सेलेक्ट करके लिखना है। तो उस बुक का नाम है, मतलब प्लांट का नाम है बच्चों, डक वीड। क्या बच्चों? डक वीड, DUCK, डक वीड, WWED, डक मतलब बत्तख होता है बच्चों। अगर उसी बहाने याद करो तो आप याद कर सकते हो उसी के लॉजिक से, ठीक। तो कोई किसी को डाउट नहीं होना चाहिए बच्चों। जो स्मॉलेस्ट प्लांट्स का नाम है वो क्या है? डक वीड। क्या नाम है बच्चों? डक वीड, ठीक। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पे। किस पे आते हैं बच्चों? क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पे, ठीक। तो आपका क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या है, पढ़ते हैं। इट इज़ द टालेस्ट ट्री, बच्चों ध्यान दो, अभी तक ओल्डेस्ट ट्री आया, टालेस्ट ग्रास आया, बिगेस्ट फ्लावर आया, स्मॉलेस्ट प्लांट आया, लेकिन अब क्या आया? टालेस्ट ट्री, मतलब ट्री में सबसे लंबा कौन होता है, सबसे बड़ा कौन होता है, उसका नाम आपको बताना है बच्चों। तो आइए पहले हम लोग क्वेश्चन का नाम लिखते हैं, क्वेश्चन ही पहले लिखते हैं। क्या है? इट इज़ द, क्या है बच्चों? इट इज़ द टालेस्ट, मतलब सबसे लंबा, सबसे बड़ा हाइट में टालेस्ट ट्री, उस ट्री का नाम लिखना है जो सबसे टालेस्ट, मतलब सब बहुत ही बड़ा होता है हाइट में, उस ट्री का हमको नाम लिखना है बच्चों, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। तो हम लोग यहाँ पे आप यूकालिप्टस पेड़ का नाम क्या है बच्चों? शायद इसे हिंदी में लिपस्टिक भी बोलते हैं, हिंदी छोड़ो, जो इंग्लिश आप लोग इंग्लिश में पढ़ते हो इंग्लिश में लिखो, यूका, UCA, यूका, LYPTUS, यूकालिप्टस। क्या बच्चों? जैसे बोल रहा हूँ वैसे ही बोलो, क्या नाम है? यूकालिप्टस। क्या नाम है बच्चों? टालेस्ट ट्री का नाम क्या है? यूकालिप्टस, आपको याद हो जाना चाहिए, ठीक। किसी को यहाँ तक डाउट? आगे बढ़े। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या है बच्चों, हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स में क्या लिखा हुआ बच्चों। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, इट इज़ द बिगेस्ट सीड, मतलब ऐसे प्लांट्स का नाम बताओ जिसका सीड खूब बड़ा होता है, मतलब बिया, जो सीड मतलब क्या होता है बच्चों हिंदी? बिया। तो इसका मतलब ऐसे प्लांट्स का नाम बताना जिसका सीड बिगेस्ट होता हो बच्चों। तो आपको यहाँ सेलेक्ट करके लिखना है, क्या करना है बच्चों? सेलेक्ट करके लिखना है। तो उस प्लांट्स का नाम है कोकोडीमर। क्या बच्चों? उसका पहले क्वेश्चन लिखते हैं, इट इज द बिगेस्ट, बिगेस्ट मतलब सबसे बड़ा, BIGGEST, बिगेस्ट। क्या बच्चों? सीड, ऐसे प्लांट्स का नाम लिखना है जिसका सीड बिगेस्ट होता है, मतलब बहुत ही बड़ा होता है, तो उसका नाम क्या बच्चों? कोकोडीमर। स्पेलिंग क्या है? कोको, आप पढ़े होंगे ना कोको कोला, कोकोडीमर, ठीक बच्चों। तो आपको नाम याद होना चाहिए, कोको डीमर बोलते हैं ना, कोको को लगाना सुने होंगे आप लोग ना, तो उसी के नाम से याद कर लो कि जिसकी सीड सबसे बड़ी होती है उसका नाम क्या बच्चों? कोको डीमर। क्या नाम है? कोको डीमर, ठीक। आप भी दो बार बोलिए, तीन बार बोलिए, आपको भी बोलने आ जाएगा, ठीक। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मिस क्वेश्चन नंबर सेवन के बारे में डिस्कस करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर आइए सेवन के बारे में डिस्कस करते हैं, क्या लिखा हुआ है? इट हैज़ द डीपेस्ट रूट, मतलब ऐसे प्लांट्स का नाम बताना है जिसकी रूट्स खूब डीप में गई हो, मतलब खूब अंदर गई हो, डीप मतलब होता है बच्चों गहरा, और डीपेस्ट मतलब बहुत ही गहरा। क्या बच्चों? बहुत ही गहरा। तो आपका क्वेश्चन क्या बच्चों? DEEPEST, डीपेस्ट क्या है बच्चों? रूट, ऐसे प्लांट्स का नाम बताना है जिसका रूट डीपेस्ट होता है। क्या होता है बच्चों? डीपेस्ट मतलब बहुत ही गहरा, डीप मतलब गहरा, और डीपेस्ट मतलब बहुत ही गहरा, सुपरलेटिव यहाँ पे डिग्री उपयोग किया गया है। तो बच्चों वही लिखा हुआ है, आपको लिखना है, उसका नाम है फिग ट्री। क्या नाम है बच्चों? फिग ट्री, आपको सेलेक्ट करके लिखना है। स्पेलिंग है FIG, फिग, TREE, क्या बच्चों? फिग ट्री। तो किसी को यहाँ तक डाउट? बच्चों देखो ये GK है, जनरल नॉलेज है, इसमें आपको कोई लॉजिक नहीं, अगर कोई लॉजिक रहेगा तो मैं उसे बता दूंगा, बाकी आपको सब इसमें मतलब जो नहीं समझ में आया उसका मतलब भी बताया, जो सन है, जो मीटर स्क्वायर है, जो प्लांट्स का नाम है वो भी लिखा, और अब आप इसे खूब दो दो तीन तीन बार अपने घरों पे लिख लिख के याद कर डालो। क्या बच्चों? लिख लिख के याद करो।
रिवाइज करो, बिकॉज रिवीजन विल मेक यू वाइजर, बुद्धिमान बनाता है। जितनी बार आप रिवीजन करोगे ना, उतनी ही ज़्यादा आपको भलाई होगा, प्रॉफिट होगा। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों। आपको मैं आप लोगों को होमवर्क देता हूँ बच्चों। होमवर्क आपका ये है, यहाँ पे मैं साइड में लिख दे रहा हूँ बच्चों, होमवर्क HW। कुछ बच्चे जो घर पे घूमते हैं उनके लिए, और जो नहीं घूमते उनके लिए भी होमवर्क क्या है बच्चों, आपके बुक में मोर टू नो, मतलब कुछ अधिक जानकारी। यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ एक क्वेश्चन है मोर टू नो, दो फैक्ट नॉलेज दिया हुआ है, उसको आपको पढ़ना है और समझना है। हम नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा डिस्कस भी कर देंगे। क्या है बच्चों, मोर टू नो, MORE, मोर टू नो। ठीक, ये आपको लिख लेना है, होमवर्क नोट कर लेना कॉपी में, और इसको पढ़ना है दोनों फैक्ट और समझना है। फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ठीक, आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू वेरी मच। खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो।